हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आप मैकबुक में मैक ओएस में पेन ड्राइव को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑलरेडी पेन ड्राइव को जो है अटैच कर लिया हूँ। तो अभी यहाँ पर इस पेन ड्राइव का आपको इन्फो बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गेट इन्फो पर क्लिक कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 30 GB का पेन ड्राइव है। तो यहाँ पर आपको और भी डिटेल्स जो है देखने को मिल जाते हैं, तो इसको यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद आपको पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है तो आपको जो है यहाँ पर लॉन्च पैड के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक अदर फोल्डर है, इसमें आपको यहाँ पर डिक्स यूटिलिटी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आपका पेन ड्राइव शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सैंडिक्स नेम से पेन ड्राइव है। तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है इसको फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पर टू फिंगर से टच पैड पर आपको टच करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इरेज के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है इस तरीके से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, MS-DOS फैट भी रख सकते हैं आप, या फिर आप दूसरा ऑप्शन भी इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इरेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके पास जो है यहाँ पर पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा मैकबुक में। तो इस तरीके से आप इजीली पेन ड्राइव को जो है फॉर्मेट कर सकते हैं मैकबुक में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।